गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा कंडीशनर जिसमें बहुत सारा प्रोटीन है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से सिल्की और शाइनी बनाएगा। दोस्तों, ये आपके बालों में होने वाली सब प्रॉब्लम, जैसे कि इचिंग प्रॉब्लम है आपको, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, ये सभी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक बनाना और एक गिलास यानी कि एक बड़ा कप आपको चाहिए एलोवेरा जूस का। एलोवेरा जूस को बनाने के साथ आपने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद इसे एक बाउल में अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लीजिए यानी कि छान लीजिएगा, और उसके अंदर आपने कोकोनट मिल्क 2 चम्मच ऐड करना है। 5 स्पून आपको ऑलिव ऑयल इसके अंदर मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको 2 कैप्सूल विटामिन ई के इसके अंदर मिक्स करने हैं। कैप्सूल को थोड़ा सा शेद करके उसका ऑयल इसके अंदर निकाल लीजिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, आपका कंडीशनर रेडी हो गया है। इस कंडीशनर को आपने अपने बालों में अच्छी तरह से लगाना है। तो अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको अपने बालों को ढक लेना है, राइट? किसी भी कैप से या किसी चीज़ से अपने बालों को आप रैप करके रखिए। पूरी रात आपको ये लगा कर रखना है। सुबह अपने बालों को अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। आप देखेंगे तभी आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने खुद ट्राई किया है। मेरे बाल एकदम स्मूथ हो गए और शाइनिंग मेरे बालों में बहुत ज़्यादा थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके बाल डल है, रफ है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, राइट? दोस्तों, जो हमने इसके अंदर बनाना यूज़ किया है, बनाना में बहुत सारे प्रोटीन हैं जो हेयर को स्मूथ करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर एलोवेरा जूस की बात करें तो दोस्तों, ये हेयर ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। इससे हमारे बाल बहुत जल्द लंबे होते हैं। कोकोनट मिल्क जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है, वो बालों को कंडीशन करता है, बालों को स्मूथ और शाइनिंग बनाता है। ऑलिव ऑयल जो है वो बालों की ईचिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर यूज़ किया है वो बिल्कुल नेचुरल हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको पता ही है कि जो हमने कैप्सूल इसके अंदर यूज़ किया है विटामिन ई का, वो आपके बालों को शाइन भी देगा और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी बनाएगा, राइट? जिससे आपके बाल जल्दी जल्दी झड़ेंगे भी नहीं। तो आप एक बार इस कंडीशनर को अपने बालों में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा। आप इसे वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं और महीने में 4 बार इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सभी मैसेजेस मैं रीड करती हूँ, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को यानी कि वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है वो भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलेंगे एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।